ग्वालियर के पत्रकार बंधुओं ने अपने संघ के इस बैठक के संदर्भ में जनता तक अपने मीडिया द्वारा जानकारी देने का जो सहयोग दिया है, इसलिए संघ की ओर से आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं। आज प्रतिनिधि सभा बैठक के दूसरे दिन जैसे पहले ही सह सरकारी वह डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी ने आप लोगों के सामने सूचना दी थी, उसके अनुसार एक प्रस्ताव कल शाम को पारित हुआ, वो है भारतीय परिवार व्यवस्था मानवता के लिए अनुपम देन, भारतीय फैमिली सिस्टम ए यूनिक कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी। इस विषय पर प्रस्ताव पारित हुआ। वैसे कुछ वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ ने परिवार व्यवस्था अथवा कुटुंब व्यवस्था के संदर्भ में एक अंतरराष्ट्रीय वर्ष का आयोजन किया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली। तो विश्व भर में कुटुंब व्यवस्था के बारे में, परिवार इकाई के बारे में चिंता रही है, आज भी है। आधुनिक काल में कई प्रकार के कारणों से औद्योगिकरण के पश्चात विश्व में कई सामाजिक इकाइयों के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ असर हुआ है। शहरीकरण के जो दौर चला है उसके कारण भी लोगों के रोजगार के आजीवन की व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण अपने सामाजिक इकाइयां जो भी हैं उनके अंदर कुछ कुछ परिवर्तन आए हैं। उन सब के एक दृष्टि से कहने में गलत नहीं होगा कि शिकार अपने परिवार व्यवस्था भी हुई है। आधुनिक काल के हर चीजें कोई बुरा है ऐसे नहीं कह सकते, उसके कई अच्छी बातें भी हो सकती हैं। संचार माध्यम है, लोगों के संवाद के लिए जो एक रास्ता को लिए वो अच्छी बात भी है। दूरी कम हो गई भौतिक दृष्टि से, लेकिन भौतिक दृष्टि से दूरी कम हुई लेकिन एक इमोशनल डिस्टेंस ये ज़्यादा हो गया क्या, ऐसे कई सोशल साइंटिस्ट अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। ये विश्व भर के अनुभव है। तो इसलिए पिछले एक चुनाव में अमेरिका के राजनीतिक दल ने भी, रिपब्लिकन पार्टी ने यही विषय लेकर अपने मैनिफेस्टो में कहा था, हमने सुना है पढ़ा है। तो उन्होंने फैमिली सिस्टम को बनाए रखना इस दृष्टि से आग्रह किया था। तो अमेरिका में परिवार व्यवस्था पर जो आघात हुआ उस कारण से कई सामाजिक समस्याएं और परिवार में रहने वाले सदस्यों पर, खास करके नई पीढ़ी पर उसके बुरा असर, ये सब अनुभव में आया है। तो इसलिए भारत अत्यंत प्राचीन राष्ट्र जो दुनिया के लिए कुटुंब व्यवस्था के एक विशेष देन, एक अनुपम देन भारत ने दिया है। तो भारत में भी हम अनुभव करते हैं कि कई सर्वे पिछले कुछ वर्षों में जो हुए हैं, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज बनी है अभी वर्तमान युग के एक तकाजा कहिए, मजबूरी कहिए, तो इससे छोटे फैमिली न्यूक्लियर फैमिली बनते हैं। तो अपने देश में भी वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम बढ़ते गए हैं, ओल्ड एज होम्स। कई लोगों को लगता है ओल्ड एज होम करना इसका अर्थ
अपने माता पिता के प्रति बच्चों के पुत्रों के जो कर्तव्य निभाने के ऋण चुकाने के का आवश्यकता है उसमें कमी आ गई है। कुछ हद तक लोगों के अपने स्वतंत्रता अपने स्वातंत्र्य इस कारण से भी हो सकता है, कुछ मजबूरी भी हो सकती है। शहरी जीवन में रहने के लिए दो कमरे के इसमें रहने वाले न्यूक्लियर फैमिली एक वृद्ध माता पिता को अपने घर में रखने में कठिनाई भी हो सकती है। तो इसलिए जिन लोगों ने वृद्धाश्रम के में अपने माता पिता को रखा वो सब अपने माता पिता के बारे में कोई अच्छे सोचते ही नहीं है, ऐसे हम एक्सट्रीम नहीं बोल सकते। लेकिन हकीकत यह है कि वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से बच्चों को अपने दादा दादी के साथ रहकर जो संस्कार पाने का, एक आदर सम्मान के संस्कार को सीखने का, उनके प्यार को प्रीति को मोहब्बत को अनुभव करने का और बच्चों को देखने के एक संतुष्टि बूढ़े को बुजुर्गों को होता है वो उनके वंचित होने का, ये सब कारण तो होता ही है। तो इसलिए ये जो वर्तमान परिस्थिति है इससे अपने परिवार इकाई विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी, समाज की जो आधारभूत इकाई है वो परिवार है। तो इसलिए परिवार के संदर्भ में इन सारे विषयों को देखते हुए अनुभव करते हुए प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है। तो उसमें हमने ये भी कहा है कि परिवार व्यवस्था के सुदृढ़ करने का आवश्यकता ये है। परिवार में संस्कार नहीं मिलने के कारण पिछले दिनों में बहुत ही जघन्य अपराधों के बारे में भी हम देखते हैं, यानी कहने में मन को कष्ट होता है, उस प्रकार अपने ही परिवार में कई प्रकार के अपराध होते हैं, क्राइम्स होते हैं। बेटे के साथ पिता के गलत व्यवहार होने के कई घटनाएं आजकल मीडिया में पढ़ने को सुनने को मिलते हैं। परिवार के अंदर संस्कार कम होकर नशाखोरी व्यसनाधीनता बढ़ गई है। एक दृष्टि से आधुनिकता के नाम पर स्वच्छंदता उपभोगवाद कंज्यूमरिज्म कमोडिटी कल्चर और आधुनिकता के नाम पर पश्चिमीकरण, इसलिए नई पीढ़ी के बच्चों को अपने मातृभाषा के मुहावरे मालूम नहीं होते, अपने मातृभाषा के साहित्य के कविता के पंक्ति स्मरण नहीं होता। तो इसलिए धीरे धीरे मातृभाषा बोलने वाले नई पीढ़ी के बच्चे कम होते जा रहे हैं। कई जगह पर यही कारण है कि विद्यालय भी उन भाषाओं के विद्यालयों की संख्या भी कम होते, उनकी मातृभाषा का प्रयोग करना कम हो जाए। तो इसलिए परिवार के अंदर के संस्कारों में भी कमी है। न्यूक्लियर फैमिली का जो मैंने बताया वो एक अलग समस्या है। तो इसलिए परिवार के अंदर संस्कार मिलना, परिवार के लोग साथ में भोजन भजन करना, परिवार के लोग साथ में चलकर तीर्थाटन में जाना देखने के लिए अनुभव करने के लिए, ये थोड़ा सा कम हो गए। तो इसलिए साथ में भोजन करना भी हम लोगों का संस्कार है, ये हिंदू संस्कार है, घर के सभी लोग एक साथ बैठे। तो इससे संस्कार कम होने के कारण परिवार इकाई के जो एक योगदान है समाज जीवन के लिए उसमें ह्रास आ गया है। तो इसलिए संघ ने विचार किया कुछ वर्ष पूर्व कुटुंब प्रबोधन, ऐसे हमने एक विशेष उपक्रम प्रारंभ किए जिसको हम गतिविधि इस नाम से संघ के एक टेक्निकल टर्म है, एक उपक्रम है। उस उपक्रम के अंतर्गत कुटुंब प्रबोधन तो परिवार प्रबोधन में पिछले 10-12 वर्षों से इसको हमने लगातार चलाया है। इस कारण से एक परिवार 5 परिवारों के साथ संपर्क रखना, जिन बातों के बारे में मैंने अभी उल्लेख किया, परिवार के लोग कम से कम शहरी क्षेत्र में सप्ताह में एक दिन एक साथ बैठकर भोजन करें, बच्चे क्या नई बात सीख रहे हैं माँ बाप सुने,
तो ऐसे परिवार के अंदर के संस्कार बढ़ाने के कई काम, घर के लोगों को हम कमाई करते हैं तो कुछ समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए कुछ सेवा करने का भी हमारा कर्तव्य है, समाज के लिए कुछ करना भी चाहिए। अतिथि देवो भव ये सिखाना चाहिए लोगों को, सेवा के अनुकंपा के एक भाव को संवेदना को जगाने चाहिए। तो ये कब होगा, घर के अंदर के लोग इस विषय के बारे में आपस में बातचीत करें तब होगा। बड़े लोग छोटे बच्चों को अपने परिवार सदस्यों को इस विषय में संवाद करें, बताएं, दिखाएं, आचरण से व्यवहार से लाएं, तब होगा। तो इसलिए कुटुंब प्रबोधन अथवा परिवार प्रबोधन नाम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो एक उपक्रम चलाया है, इसमें हजारों कुटुंबों में इस विषय को हमने आया है। संघ के सदस्य संघ के स्वयंसेवक भी नहीं है, ऐसे समाज के बहुत सारे परिवारों को इसमें जोड़ा है। उन लोगों ने अन्य परिवारों के साथ संपर्क रखना, आज शहरों में फ्लैट्स और गेट कम्युनिटी के सिस्टम में क्या हो गया, पड़ोसी के साथ भी एक पड़ोसी धर्म निभाने का जो होता है उसमें भी कमी आ गई है, हम सब अनुभव करते ही होंगे। तो इन सारे चीज़ों को दूर करने के लिए संघ ने एक सामाजिक कार्य के नाते इस परिवार प्रबोधन के एक उपक्रम चलाकर अपने अनुभव से अभी एक प्रस्ताव हमने लाया है। उस प्रस्ताव में किसी के साथ कोई मांग नहीं है, इनको ये करना उनको करना, लेकिन हमारा एक सुझाव है, हमारा एक अनुरोध है, अपने समाज के इस सुदृढ़ता को सोशल नेटवर्क जो होना है, कम्युनिकेशन रहनी चाहिए, समाज के आंतरिक शक्ति परिवारों के एक परस्पर अंडरस्टैंडिंग से होता है, परिवार में मिलने वाले संस्कार से होता है। अंग्रेजी में बात करते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो इसलिए परिवार के अंदर और एक महत्वपूर्ण चीज है कि परिवार में गृहिणी के, माता के, महिलाओं के एक स्थान, उस विषय में या तो अधिकार के समानता के बात होती है या तो कोई उनके सहभागिता नहीं है, तिरस्कार नकारना हो जाता है, ये दोनों ठीक नहीं है। हम अधिकार की बात नहीं कहते, हर एक को अपने अपने कर्तव्य निभाने से दूसरे के अधिकार संरक्षित है। तो ये परिवार के लोग अपने कर्तव्य को निभाएं, समाज में बहुत सारे साधु संत संस्थाएं, बहुत सारे लोग परिवार इकाई को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, उसके सराहना भी हम करते हैं। उन सबके साथ सहयोग से यह कार्य आगे बढ़ने चाहिए। अपने शिक्षा प्रणाली में, एजुकेशन सिस्टम में, जैसे पर्यावरण के बारे में कुछ वर्षों से एक जागृति के लिए, अवेयरनेस के लिए कुछ पाठ्यक्रम जोड़ दिया है, अच्छी बात है। पर्यावरण के बारे में, स्वच्छता के बारे में जैसे हम पाठ्यक्रम में जोड़ते हैं, ऐसे परिवार इकाई के बारे में भी हमारे नई पीढ़ी को ठीक से जानकारी मिले, उसका एक आनंद का अनुभव करने के लिए पाठ्यक्रम में अंदर कैसे वो आ सकता है, ये भी विचार करना चाहिए। तो इस दृष्टि से संघ ने इस परिवार व्यवस्था को मजबूत करने का एक प्रस्ताव पारित किया है, इसमें हमने यही कहा है। तो प्रतिनिधि सभा स्वयंसेवकों सहित समस्त समाज विशेषकर युवा पीढ़ी का आह्वान करती है कि अपने इस अनमोल परिवार व्यवस्था को अधिक से अधिक सजीव, प्राणवान, संस्कारक्षम बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। जैसे इसलिए इस समाज निर्माण के, समाज संगठन के कार्य और व्यक्ति के संस्कार निर्णय, व्यक्ति निर्माण का कार्य संघ का मूल कार्य है। इसमें परिवार अथवा कुटुंब के एक महती भूमिका है, कुटुंब रहे तो राष्ट्र रहेगा, समाज बने रहेगा। इसलिए कुटुंब की इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए समाज के हर प्रकार के इकाई को, इसी के कारण शिक्षा नीति, आर्थिक नीति, बहुत सारे चीज़ों से भी संबंध अपने आप आ जाता है। हमने एक अनुरोध किया है इस प्रस्ताव में, अनुरोध यह है कि जैसे शिक्षा प्रणाली में इस विषय को लाना है, वैसे ही सामान्यतः मीडिया, फिल्मों में, नाटक में, इस प्रकार के इसमें टीवी में परिवार विषय को मजबूत करने के लिए सकारात्मक दृष्टि से उस प्रकार के फिल्में, उस प्रकार के सीरियल्स, वो अधिकाधिक आएँ, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाने वाले चीज़ें लाएं, डायलॉग्स भी ऐसे हो। पिछले कुछ समय में
सभी काम ऐसे में नहीं कहता, कुछ ऐसे भी अनुभव में आए, कुछ इस प्रकार के जब दिखाते हैं, पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर विश्वास नहीं है, एक दूसरे के बारे में मिस्ट्रस्ट है, एक दूसरे के साथ स्वार्थ के कारण एक दूसरे के साथ झगड़े, इस प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने से नकारात्मक भाव समाज में फैलेगा। इसलिए सकारात्मक चीज़ों को, रचनात्मक बातों को आगे बढ़ाने वाले ऐसे फिल्में, ऐसे मीडिया के कार्यक्रम, ऐसे साहित्यिक नाटक कार्यक्रम अधिकाधिक हैं। ये भी हमने एक अनुरोध किया है, ऐसे एक परिवार के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया है, उसके प्रति आपको दे ही रहे। दूसरा एक विषय आपके सम्मुख है, वो है कि वर्तमान वर्ष पिछले 21 अक्टूबर से लेकर अभी आने वाले अक्टूबर तक आज़ाद हिंद सरकार जो बनी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, उसके 75 वर्ष पूर्ण हो गए। तो इस संदर्भ में संघ के विचार को व्यक्त करने वाले एक वक्तव्य माननीय सरकारी भैया जी जोशी के नाम से हमने जारी किए हैं। सरकारी भैया जी ने इस आज़ाद हिंद सरकार के स्थापना के 75 वर्ष के पूर्ण होने पर देश उस घटना से स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मोड़, वो घटना थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस दुनिया के अन्य देशों में गए, आज़ाद हिंद फौज उन्होंने बनाई, आज़ाद हिंद सेना दिल्ली कूच करने के लिए सिंगापुर, सिंगापुर से मणिपुर में मोइरांग तक पहुँचे, बीच के रास्ते में उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप में उसको स्वतंत्र किए, वहाँ सरकार स्थापना किए। जापान ने अंडमान और निकोबार को, जापान के नेवी ने, नौकादल ने इस नई सरकार को, आज़ाद हिंद सरकार के जिसकी स्थापना नेताजी ने स्वयं की, उनको उन्होंने सौंप दिया। उन दोनों द्वीप को, आइलैंड्स को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने शहीद और स्वराज नाम रखे थे। तो उन्होंने जो सरकार की स्थापना की, दुनिया के 9 देशों ने उसके रिकॉग्नाइज किए, जापान, रशिया समेत बहुत सारे लोगों ने। इतना ही नहीं, उन्होंने मुद्रा, सेना, टैक्स सिस्टम, कोर्ट, सिविल कोड, इन सारी बातों को जो सरकार के लिए आवश्यक मौलिक हैं, इसको भी उन्होंने प्रारंभ किया। तो इसलिए आज़ाद हिंद सरकार भारत के अंदर लोगों को 1943 में हम स्वतंत्र हो सकते हैं, अपने सरकार बन सकती है, इस विश्वास को दिलाने में बहुत बड़ा काम किया। हम जानते हैं उसी के बाद मुंबई में नेवी में एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज़ उठी, जिसको विद्रोह कहा जाता है, कि वो भी एक स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत मौका था। इसके 1943 के आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना से प्रेरणा लेकर उन लोगों ने वो किया था। तो इसलिए अपने देश में बहुत सारे जो प्रयास हुए स्वतंत्रता आंदोलन में, उसमें नेताजी के और आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना एक स्वर्णिम पृष्ठ है। तो इसके 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन के उस महत्वपूर्ण बात को न केवल स्मरण करना, उसे प्रेरणा भी लेना, वर्तमान पीढ़ी को अभी अभी के इस इतिहास के बारे में जानकारी बहुत ही कम है, लगभग नहीं है। तो इसलिए इन बातों को फिर से एक बार याद दिलाना, उसे प्रेरणा लेना, बहुत अच्छी बात हुई। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों में इसी से संबंधित 3-4 बातें जो किए हैं, एक प्रधानमंत्री ने वहाँ अंडमान में रखकर वहाँ के 2 आइलैंड्स को शहीद और स्वराज नाम उन्होंने रखा, और दिल्ली में रेड फोर्ट में, लाल किले में, और कार्यक्रम भी हुए, आज़ाद हिंद सरकार से जुड़े हुए लोगों का सम्मान भी किया। तो इस प्रकार एक इसको, इसके मान्यता देने का, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इसके एक महत्वपूर्ण भूमिका जिसे है, उसको फिर से याद दिलाने का कार्य केंद्र सरकार से भी हुआ है। इसलिए इस वर्ष विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को करते हुए, कॉलेज के, स्कूल के विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय में, समाज जीवन में भी,
करना चाहिए। साहित्य प्रकाशन हो सकता है, नाटक हो सकते हैं, बहुत सारे मीडिया के कार्यक्रम भी हो सकते हैं। संघ ने भी अपने बौद्धिक विभाग के द्वारा स्वयंसेवकों के बीच, समाज के बीच कार्य करने का विचार किया है। तो इस दृष्टि से एक 75 वर्ष आजाद हिंद सरकार के इसके स्मरण करने का और